यार गाइस बहुत बड़ी दिक्कत हो गई यार गाइस, मुझसे नहीं हो रहा है। तो हेलो यार गाइस, स्वागत करते हैं सबको मुझसे ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो काश आज किस वीडियो में होने वाला है, हम लोग जाने वाला है अरुणाचल यार, पहाड़ों में जाएंगे और काफी सुंदर सुंदर नजारा वहां पर हम लोग को देखने को मिल जाएगा। बहुत दिनों से मतलब ये ड्रीम था मेरा अरुणाचल जाने का, तवांग जाएंगे यार, मजा लेते लेते जाएंगे यार, आप लोगों को भी दिखाते जाऊंगा नजारा। यहाँ से रास्ता दो है, मतलब इधर एक सीधा रास्ता है जो कि पहाड़ के ऊपर ऊपर के जाता है, तो इधर एक रास्ता है मतलब अनप्रोफेशनल रास्ता है, तो इधर मैं जाऊंगा और वहां से निकल के वहां चला जाएगा। मतलब यार गाइस इतना गर्म है, बिना बकवास करते हुए चलते हैं। अभी थोड़ा बॉडी बसा है, मेरे को गेट मिलने वाला है। ये यार गेट मेरे को मिल चुका है। यहाँ से शुरू होता है अरुणाचल की रियल जर्नी। मतलब वहाँ पे पुलिस अंकल से मैंने पूछा यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ है कि नहीं, मतलब गेट पे वीडियो बनाना अलाउ है कि नहीं, वहाँ पर अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो को नहीं बनाया, क्योंकि पुलिस का भी जो रिस्ट्रिक्शन होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। वहाँ पर आप लोग गेट में आयल भी कराना पड़ेगा, अगर आप लोग डायरेक्ट आए तो डायरेक्ट भी आप लोग आ सकता है, और अगर आप लोग को डायरेक्ट नहीं आना है मतलब पहले से मतलब बना के भी रख सकते हैं। वेबसाइट में जाके आप लोग आसानी से बना सकते हैं परमिट, तो आसानी से जा सकता है यार, कोई दिक्कत नहीं, गेट में आसानी से एंट्री दे देता है, मतलब उतना टाइम जाम भी नहीं है। और अभी मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में हूँ उसी का नाम है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। अंकल ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है अंकल? ये बमजिला डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर मेरे को अंकल मिला है, तो अंकल वहाँ पे काम करता है ना। हाँ। क्या बनाते हैं आप लोग? ब्रिज का। हाँ ब्रिज, ब्रिज बना रहे हैं अंकल लोग वहाँ पे आगे। पानी ले रहा था अंकल भी, और अभी पानी खत्म हो गया था। हाँ, अंकल तो अरुणाचल का ही है ना। चलो चलते हैं। मैं तो यहाँ पर मेरे को भैया ने गाड़ी रोक के मेरे को आवाज दिया है, भैया ने मेरे को एक खाने के लिए गिफ्ट भी दिया है मेरी तरफ से। हाँ, कोका कोला। थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, आज ही वापस आए। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। अरुणाचल के लोग बहुत ही अच्छा है यार, मतलब इतना अच्छे से बात करते हैं। तो यहाँ तक मैं पहुंच गया और यहाँ पर काम कर रहे हैं भैया लोग, दीदी लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। मेरे को कौन पहले आवाज दिया था? अरे शर्मा राय भाभी, भाभी जी कुछ ठीक नहीं लग रहा तुमसे ना हो पाया यार, गाइस मुझसे नहीं हो रहा है, आज पहला दिन है ना, बहुत ज्यादा थका है। दुकान में कोई है? दीदी मैगी मिल गया यार। कितना दूर? टर्निंग में। यहाँ पर तीन होटल है लेकिन तीनों होटल बंद है। मेरे को कुछ खाने के लिए ले लेना चाहिए यार साथ में, मतलब बेकअप के लिए। अबे बारिश एक दो दी है और जल्दी जाना पड़ेगा। यहाँ पर भाई लोग, ये लोग काम कर रहा था तो मेरे को आवाज दिया, तो अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके। पर आटे आटे में होटल मिल गया मेरे को, पूछते हैं खाना है कि नहीं, मतलब चावल बावल है कि नहीं, पूछते। बहुत सारा टूरिस्ट लोग है यहाँ पर। चावल चावल के साथ साथ क्या क्या मिलेगा? अभी चुका है चावल यार, चावल और मिल जाएगा। चलो आज चुका है, चुका लेते हैं, आराम से पेट भर गया, तो अभी चलते हैं। मजा आया तो अभी यहाँ से चलने के बारे आ गया है। चलो लेट्स गो। दोस्तों आप लोग को एक गजब की बात बताओ, अभी मैं पैदल चलते चलते दो घंटे से ज्यादा हो गया, लेकिन वो जो मैंने खाना खाया था ना, वो अभी भी मेरे को दिख रहा है, ये देखो यार गाइस, अभी मेरे पीछे भयंकर वाला क्लाउडी हो चुका है, तो अभी बारिश भी देखा करते हैं मेरे को। रास्ता देखो यार, वेदर तो बहुत ही क्लाउडी हो चुका है। अगर हाथी वाटी आ गए ना तो खत्म है, खत्म। हमने का चीज भी दिखता ही नहीं, मतलब इतना कोहरा हो चुका है ना, तो गाड़ियों से मेरे को बस के रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को तो वो लोग दिखेगा नहीं, मेरे पास तो लाइट वाइट है नहीं। चलिए आप लोगों को आगे अपडेट करता हूँ। तो गाइस अभी का अपडेट ये है कि अभी थालन मिल गया मेरे को और क्लाउडी भी थोड़ा सा सब हो गया। गाइस तवांग 274 किलोमीटर और अभी यहाँ से है, तो यार गाइस अभी रात होने वाला है, कटंग यहाँ से सामने ही है, अभी 2 किलोमीटर जाना है मुझे, तवांग 257 किलोमीटर है। और आज तू वहाँ पर ना पहुंच सकता, तो इसलिए कलाकटंग टाउन में रहते आज। ये रहा कलाकटंग, ये रहा कलाकटंग का सिटी, तो यहाँ पर ब्रेड वगैरह ले, तो आगे एक हिल है बोला है, तो हिल में रहते यार, आगे हिल में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये है जगह, तो यहाँ पर रह सकता हूँ मैं आराम से। ये देखो अगर बारिश दिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ उधर भी एक बड़ा सा फील्ड था लेकिन वहाँ पे लोग खेल रहा था मतलब, तो इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं गया। तो ये रहा, ये टेंट मैंने बना लिया है, तो मैंने वहाँ से तोड़ के मतलब यहाँ पर ले आया, मतलब यहाँ पर एक भैया ने मेरे को बोला कि आप अंडर रह सकते, यहाँ पे ये चार्जिंग पोर्ट वगैरह है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, तो अभी साइकिल को लेकर आते हैं, यहाँ पे बहुत सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट वगैरह सब कुछ है। जो भैया मेरे को यहाँ पर रहने दिया ना वो असम का है, वो मैं ब्लॉग में दिखाना चाहता था लेकिन वो चला गया, मतलब काम है उसका तो जल्दी चला गया वो। यार गाइस बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, मैं साइकिल लेने गया और किसी ने इसको मार के चला गया और मेरा सारा सामान अंदर है, मैंने देखा भी लड़का को वहां पर पहुंच गया था, मैं वहां पे था। और यहाँ पर एक
दो भाई लोग मेरे को मिला है यहाँ पे जो काम करता है उसको ये भैया जानता है। दोनों जाके वहाँ से साबी लेके निकल लेंगे। तो चल अभी मैं साइकिल को लेके भैया के साथ चलता हूँ। तो भैया ने बोला था मेरे को यहाँ पर रहो बोल के, मुझे यहाँ पर रहने को बोला। मैं सामान लेने गया फिर ताला मार के चला गया, मेरा सामान अंडर ही रह गया। मतलब ये वाला था ताला मार के जाने वाला, अभी नहीं मिलता ना तो तेरे को मरता मैं। थैंक यू सो मच सभी को। डर गए थे यार सच में यार, डर गए क्योंकि यहाँ पर सालदर वगैरह सब कुछ है मेरा, सब कुछ यहाँ पर ही है।